तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक सिंपल से कुछ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, टैक्स कैलकुलेशन और उसी से एम्प्लॉई सैलरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, डेटा जिसमें एम्प्लॉई आईडी है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और यहाँ पे किस प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहा है वो प्रोजेक्ट है, एंड किस मंथ का सैलरी है वो मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और उसके कितने पेबल डेज है, मतलब कि उसकी अटेंडेंस क्या है वो है, और कितने दिन वो अब्सेंट था, लीव था, वो लीव यहाँ पे दिया गया है, राइट सर। आप सेंड कर देता हूँ, कितनी लीव है वो दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, एचआरए क्या है, सर अदर मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। टोटल क्या है इसका, और पर डे सैलरी क्या हुआ, क्योंकि मान लीजिए उसको देना तो 11,338 है, पर कितना एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में मैंने यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा के मैंने मंथली कैलकुलेट किया हुआ है, जिससे जितना जोन महीना चल रहा होगा उस महीने के हिसाब से सैलरी पर डे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि टोटल पेबल डेज एंड सैलरी से इसकी सैलरी आ गई। ओके सर, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये करना है कि जिसकी सैलरी मोर देन 1 लाख है, जिसकी सैलरी मोर देन 1 लाख है वो हाईलाइट हो जाए, समझ गए, पहली क्वेश्चन है। उसके लिए जाहिर सी बात है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, जो ग्रेटर देन, यहां पे क्या करेंगे, 1 लाख। जो सैलरी मोर देन 1 लाख है उसको हमने हाईलाइट कर दिया एक ग्रीन कलर का, एक मैं दे देता हूं बॉर्डर। तो पहली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली, उसके बाद बाकी आता है टैक्स का। यहां पे हमें टैक्स शो करना है, ठीक है, तो टैक्स के ऊपर एक कैलकुलेशन दिया हुआ, और जाहिर सी बात है टैक्स के पहले तो यहां पे मुझे इसकी टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसकी टैक्स निकाल पाएंगे, टोटल सैलरी, क्या सर। तो यहां पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि पूजा यहां पे कई बार रिपीटेड है, पूजा कई बार रिपीटेड है, तो मुझे इसकी टोटल पूरे साल की सैलरी निकालनी है हमें यहां पे। तो यहां पे हम सम विथ कंडीशन, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और जाएंगे हम रेंज क्राइटेरिया कि मैं इंप्लॉय आईडी, और हमने यहां पे आया टैक्स में, इस इंप्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया एंड वापस हमने सैलरी को कर सिलेक्ट कर लिया, ये पूरे साल का यहाँ पे टोटल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होके आ गया। आ गया सर, ये 93,000 है सैलरी कुछ, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ ये, हाँ मैं थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ा मुझे। ये सैलरी तो सबका सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे सैलरी हमारा कैलकुलेट होके आ गया। और ये राउंड, इसको राउंड फिर राउंड कर देता हूं। अब मुझे इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स का पहला कंडीशन है कि अगर लेस, यहां पे लेस देन 2.5 लाख है तो जीरो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 25000, तो यहां पे जीरो शो करना चाहिए। ठीक है, फिर वापस हमने इफ कंडीशन दिया और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, सैकड़ा हजार 10,000। ध्यान से देखिएगा सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख नहीं 5 लाख ही हो ना। ये 2.5 से 5 लाख है तो यहां पे क्या होना चाहिए, 10%। तो 10% किसका, 10% होना चाहिए आपका 2.5 से 5 लाख के बीच में। तो मुझे इसमें से 2.5 लाख को माइनस करना हो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 10%। समझ में आया सर आपको, पुनीत जी, राम जी, समझ में आया सर आपको ये? जी जी सर, जी सर, समझ में। हमने बोला कि इफ ए टू इज लेस देन इक्वल टू, अगर 2.5 लाख है तो जीरो दे दे, अगर 5 लाख है तो पहले 2.5 लाख को हम माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका हम 10% निकालेंगे। समझ, इनकम टैक्स का फॉर्म, हाँ हाँ सर, क्लियर है? 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख तक नहीं, उनका जीरो शो करेगा, उसके बाद जितना जितना आएगा उसका 10% आएगा। जी हाँ। उसके बाद तीसरा कंडीशन पे आते हैं कि इफ, तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, 1 मिनट, 2.5 लाख से, जो 5 लाख से 7 लाख के बीच में रहता है, और वो ये नहीं, हो गया हाँ, तो नहीं ये है आपको 5 से 7 लाख, साढ़े सात, 5 से 7 लाख, इसको हमने सिलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू आपका 7। 7500, यहाँ पे 7500, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे तो आपको 2.5 लाख का 10%, 12,500 तो देना ही पड़ेगा ना सर, हाँ 12,500 फिक्स है। पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचता है उसका हमें देना है 15%, क्या? हाँ उसका 15%। तो वो मुझे इसमें से माइनस करने पड़ेंगे ना, हाँ पहले उससे 2.5 लाख तक माइनस, वो हाँ फाइव लाख उस माइनस करना पड़ेगा ना फाइव सर, लाख हाँ 5 लाख से माइनस करना पड़ेगा। दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख क्या है, 15%। मुझे तो 50 लाख हो गया सर, एक जीरो कट जाएगा। कंडीशन दिया इफ और मैंने सिलेक्ट किया अगर ए लेस देन इक्वल टू 10 लाख है, दाई सेम 00 और 3 और 0, ठीक है सर, 10 लाख है। ऐसा है
तो मुझे यहाँ पे 25, यहाँ पे 12,500 था ना, हाँ सर, 12, 12.5 हज़ार। साढ़े बारह, 12,500 तो देना ही पड़ेगा, 12,500 प्लस मुझे इसको 25 तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो 5 लाख से नीचे जाएगा फिर तो। जो बचेगा 10 के नीचे जो आएगा, मतलब 7.5 से 10 के बीच जो होगा उसका मुझे देना है 20%, नहीं 15% है ना, हाँ सर, 15% है, 10%। तो फिर इसका क्या 10% है, शुरुआत में क्या है, फिर तो हमें कुछ ढाई गलत। लाख से नील होगा, 2.5 लाख के बाद ये 10%। एक मिनट, नहीं 5% था, हमने 5, 10, 15 करना था, वो हमने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे 5% होगा, यहाँ पे 10% होगा, और इसमें हम माइनस करेंगे 7,05,000, 50, और उसका 15% होगा, और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे 25, 10, 35, 3,500 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्या रहने दू, इसको टोटल रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ इफ कंडीशन देता हूं और बोलता हूं कि भाई अगर ये लेस देन इक्वल टू है 12,50, 12,50 तो 12,50,000, अगर 12,50,000 है तो हमें 12,500 तो देना ही पड़ेगा, फिर 5 देना ही पड़ेगा, फिर मुझे 37 पड़ेगा, 3 तो देना ही पड़ेगा, 3 स्लैब का आ गया ना सर, तो 3 स्लैब तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैं इसमें से ब्रैकेट में लेता हूं और इसमें से माइनस करता हूं 10,00,000, माइनस किया और यहां आ जाता है 20%। ये धीरे फॉर्मूला बढ़ रहा है सर, ये मैं एक चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो है हमारी इफ कंडीशन की फॉर्मूला स्टार्ट होने वाली है सर, तो उसमें आपको मैं इसी तरह के फॉर्मूला समझाऊंगा, तो पहले से आप प्रिपेयर रहे सर, इसलिए मैं आज ही बता रहा हूं, समझ गए, ये चीजें मैं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन ये चीज बताने का पर्पस यही है। अब मैं लेस देन इक्वल टू करता हूं 12,50,000, यहाँ पे 15,00,000 कर देता हूं, अगर 15,00,000 है तो मुझे इसमें 12,500 तो देना ही पड़ेगा, 25 देना ही पड़ेगा, 3,750 देना ही पड़ेगा, 2500 हो गया सर, 2500 ट्रिपल 0 होगा। 00 होगा, और इस पे मुझे मैंने यहाँ पे प्लस किया, अब मुझे इस पे जो है 50,000 तो देना ही पाँ, पड़ेगा, पाँ, 50,000 देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से मैंने माइनस किया और बोला कि इसमें से आप जो है 12,50,000 घटा दो, ठीक है, और जो बचता है उसका 25% ठीक है, और यहां पे एल्स में, अब यहां पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है, हम एल्स में चले जाते हैं, एल्स में यहां पे हमें 12,500 तो देना ही पड़ेगा प्लस 25,000 देना ही पड़ेगा प्लस 37,500 देना ही पड़ेगा प्लस 50,000 देना ही पड़ेगा प्लस 62,500 देना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन, सॉरी माइनस होगा ना, -15,00,000, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना है 30% से, और इसको नीचे तक ड्रैग,
मुझे आ गया रिजल्ट, तीन चीजें आपको करनी है, एक एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो सबसे बड़ी क्वेश्चन था। अब कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर टू है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो कि 30% टैक्स दिए हैं, समझे, ग्रेटर देन 30% टैक्स दिए। मतलब कि 30% टैक्स देने का मतलब है कि टैक्स वाले इस वाले सीट में इसकी सैलरी ग्रेटर देन 15 लाख होनी चाहिए, राइट। 15 लाख सैलरी अगर महीने का आनी चाहिए तो मतलब कि उसकी 2.5 लाख सैलरी मैं वो कर देता हूं, देखता हूं 15 की कैटेगरी में कोई है, ए है ना सर। तो यहां पे जस्ट मुझे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, किसका लगाना है, और मुझे टैक्स वाले में इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहां पे देना है कि ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 15 लाख। तो 3 है जिसने 15 लाख की सैलरी क्रॉस की है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैं यहां पे नेम एंट्री करता हूं, यहां पे पूजा एंट्री करता हूं, मुझे यहां पे उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग पता होनी चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस रेट कितना है, आप समझ रहे हैं सर, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस रेट कितना है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी सम, नहीं डी गेट, माफ कीजिएगा, डी गेट, डी गेट, हमने डी गेट फॉर्मूला में आया और हमने अपना डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परफॉर्मेंस रेट, हमने यहां परफॉर्मेंस रेट को सिलेक्ट कर लिया है, और मुझे यहां पे चाहिए क्राइटेरिया, तो इसी में आता हूं और मैं क्राइटेरिया में ये सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे वैल्यू का एरर दिया, हो सकता है कि जो ईएमपी नेम हमने यहां पे है सिर्फ नेम है, यहां ईएमपी नेम दिए, तो मैं यहां भी ईएमपी नेम कर तो सही रहेगा, आ गया ना परफॉर्मेंस रेट 1। तो अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं नीरज आ जाता है, यहां पे सिलेक्ट करता हूं फैब, तो ये आपका फैब का आ जाता है। उसी तरीके से मुझे यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में परसेंट और एब्सेंट चाहिए, परसेंट और एब्सेंट चाहिए, ये पर्सन कितने दिन प्रेजेंट था और कितने दिन अब्सेंट था, समझे सर। तो यहां भी हम डी सम का यूज करेंगे, डी सम, और डेटा में जाते हैं, पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और मुझे इस बार किसका टोटल कितना किसका करना है, तो ये आपका पेबल डेज का, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है, तो हमने क्राइटेरिया में इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा क्राइटेरिया है, 16 आ गया। और मुझे अब्सेंट के लिए सेम फॉर्मूला मुझे पेस्ट कर देना है, सेम फॉर्मूला पेस्ट करना है, बट इस बार मुझे जो है वो चाहिए जी कॉलम का। तो यहां पे जहां पे ई बाई जहां पे आपका यहाँ F1 था वहां पे मैं G1 कर देता हूं, ये आपका अब्सेंट आ जाता है। अब यहां आता है कि हाईएस्ट सैलरी एंड लोएस्ट सैलरी, मतलब कि इस मंथ में सबसे हाईएस्ट किसका सैलरी था और सबसे लोएस्ट किसका सैलरी था मंथ के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो मैं यहाँ पे डी मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ, डी मैक्स, और मैं डेटाबेस में जाता हूँ, और मंथ वाइज मैंने कर दिया हुआ है, पता नहीं रिक्वायरमेंट मंथ वाइज है या फिर ओवरऑल है, तो मैंने मंथ वाइज ही ले लिया कि किस महीने में किसकी हाईएस्ट सैलरी क्या है, क्योंकि तो ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे डी मैक्स में सैलरी का जो सैलरी है
इस सैलरी का हाईएस्ट चाहिए, और हमने क्राइटेरिया जो है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। हाईएस्ट लोएस्ट के लिए हम यहाँ पे डी मिन का फॉर्मूला लगाएंगे, डी मिन। तो ये डेटाबेस, ये क्या पता है मैक्स, इसमें डेटाबेस फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो डेटाबेस फॉर्मूला डी मिना, एक मिनट, सबका सेम ही आ रहा है सर? सॉरी, इसमें मुझे मंथ नहीं देना है, माफ कीजिए, नेम नहीं देना है, सिर्फ मंथ सिलेक्ट करना। हेलो हेलो, हाँ बात कर सकते, लेकिन 10 मिनट बाद कॉल कर सही रहता है, क्लास में बैठा हूँ। तो यहां से मैं मंथ चेंज करूंगा, जैसे फरवरी की जगह पे मैंने मार्च कर दिया, तो यहाँ मार्च का पूरा आ गया, और नेम चेंज करूंगा। तो ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट है वो लिंक टू मंथ है, मंथ है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ जैसे ही रहे। ओके, अब क्वेश्चन में फोर होता है एम्प्लॉय नेम एंड बेसिक सैलरी। यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम और उसके बेसिक सैलरी यहाँ पे शो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर इसने नीचे दिया हुआ है कि जनरेट द ग्राफ शोइंग द एम्प्लॉय नेम एंड बेसिक द सैलरी। इसके लिए अगर हम पिवट यूज करें तो बेटर रहेगा। तो पिवट में हम यहां पे इंसर्ट पिवट टेबल, और हम यहां रिपोर्ट में आते हैं, इसको यहां पे शो करते हैं। मैं उसको मूव कर लूंगा, मुझे यहां पे एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, यहां मूव पिवट टेबल, और मुझे रिपोर्ट 3 में चाहिए यहां, और मैं यहां पे अपना मंथ सिलेक्ट करना चाहता हूं। सॉरी, यहां पे मैं कुछ मंथ में मैंने यहां पे मार्च सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और सम ऑफ द बेसिक सैलरी नहीं, जस्ट बेसिक सैलरी कर देता हूं। इस पे इंसर्ट चार्ट, 7 लाख हो गया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, 7 लाख ज्यादा होता है, चार्ट हमारा मिसमैच हो गया था, एक बार रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, इसकी चार्ट की भी मैं डिजाइन पे आता हूं, और मैं एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग चार्ट का सिलेक्ट कर लेता हूं, ये ठीक रहेगा।
अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, हमने यहाँ पे कही दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि जनरेट द पिवट चार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 5 और 6 इसी पे वर्क कर रहा है। पिवट चार्ट हमने जनरेट कर ही दिया है। इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि पिवट चार्ट किस पे करना है। और सातवां क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इंप्लॉय प्रेजेंट एंड एब्सेंट। मैंने निकाल दिया परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैड द परफॉर्मेंस रेट 4 एंड 5th गेट द इंक्रीमेंट। अब मुझे ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इंप्लॉय जिसका परफॉर्मेंस 4 और 5 का रेटिंग है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे पीवर्ड को कॉपी करते हैं और यहां पीवर्ड में पीवर्ड यहां पे मैं पीवर्ड के अंदर मंथ बता देता हूं। मंथ भी रखना है, मुझे मंथ रखना है और परफॉर्मेंस स्कोर को भी रखना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे 4 एंड 5th सिलेक्ट मल्टीपल 4 एंड 5th। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग द प्रोजेक्ट ए ड्राइंग लोड मोर देन 2 लाख सैलरी। तो वही है, पिवट टेबल हम यहां पे लगाएंगे। मंथ में हटा देता हूं और इसमें मैं टोटल सैलरी यहां रखता हूं, ग्रॉस सैलरी, और परफॉर्मेंस रेटिंग भी हटा देता हूं। परफॉर्मेंस रेटिंग की जगह पे मैं यहां पे प्रोजेक्ट देता हूं। इसका करना है कि प्रोजेक्ट ए, तो मैं यहां से अच्छा मंथ नहीं चाहिए मुझे, मंथ हटा देता हूँ। ग्रॉस सैलरी एंड प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट ए हमने सेलेक्ट कर लिया और ग्रॉस सैलरी। प्रोजेक्ट ए में ग्रॉस सैलरी तो है नहीं, इसमें यहाँ ग्रेटर देन 2 लाख, 9 से 10 हजार लाख। ओके सर, ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए।
आप लोग जो है ये फाइल मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा, आप लोग भी इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक हाँ ओके सर, है ना। और यस इस सर। फॉर्मूले अभी मैंने लगाया है ना सर, ऐसे ही फॉर्मूले को आपको आगे लगाना है। आगे चल के आपको सीखना है। मैं मेल कर देता हूँ आप सभी को। तो राम नायक जी हो गए, क्या आपकी ईमेल आईडी रवि जी? आरवी सर, अभी ये रवि राज, ये सर। रैश पुनीत सा अतुल, अतुल जी आपकी आईडी क्या है? यही है ना, यातुल शर्मा है। हेलो, अतुल जी नहीं है। आगे चल के मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो आपको बनाना होगा, ठीक है। ओके मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। सर।